हेलो फूडीज, वेलकम टू माय लाइफ इज कुकिंग। तो आज हम मानसून के लिए खास पकौड़ा बनाएंगे जो इंस्टेंट बन जाएगा। ना ही आपको कुछ ज़्यादा सब्जियाँ चाहिए, ना सब्जियाँ चाहिए ही नहीं एक्चुअली। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ना ही प्याज के पकौड़े, ना ही आलू के, ना ही मिर्च के। तो आज हम बनाएंगे वो सबसे डिफरेंट है, वो है फुलबड़ी पकौड़ा। तो आपने कभी ना ही सुना होगा, पर बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है और बड़ा सिंपल है। तो ये बेसिकली जो गुजरात में मिलते हैं फुलबड़ी गांठिया, उससे सिमिलर है। उसमें जाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें लेने हैं और इसमें से हम पकौड़ा बनाएंगे। और अभी तक आपने माय लाइफ इज़ कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय लाइफ इज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फुलबड़ी पकौड़े के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है बेसन, दही है, सूजी है, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, हींग, गरम मसाला, शक्कर है, और ये साबुत धनिया और काली मिर्च को हमने थोड़ा सा कूट लिया है, हल्का हल्का दरदरा ऐसा। हरी धनिया है, ऑयल है और बेकिंग सोडा है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे दही। तो ये दही लिया है हमने एक बड़ा कप। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, तो वो थोड़ा सा आप ज़्यादा लीजिए। लाल मिर्च पाउडर अराउंड 2 टेबल स्पून जितना, 1/2 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, अराउंड 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, अराउंड 2 टेबल स्पून शुगर, तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, और टेस्ट टू सॉल्ट, और 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी। तो ये साबुत धनिया और काली मिर्च हमने थोड़ी सी कूट ली है वो डालेंगे, तो वो अराउंड 2 टेबल स्पून जितनी डालनी है। तो अराउंड 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे इसमें। तो आप अपनी सब्जी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लीजिए। आपने दही लिया है 1 कप, तो आपको 3 टेबल स्पून ऑयल चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सूजी डालेंगे अराउंड 4 टेबल स्पून जितनी, और 1 बड़ा कप बेसन डालेंगे। तो वो पहले हम थोड़ा सा डाल के मिला लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस से डालेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ऐसा बैटर है। हमें और थोड़ा सा बेसन डालना पड़ेगा अराउंड 3 टेबल स्पून जितना। तो 1 हमारा बड़ा कप हो गया है बेसन पूरा, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं वापस से। तो हमने अभी पकौड़े डाल सके ऐसा बैटर रखा हुआ है। अब हम इसे ढककर अराउंड 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट चल सकता है, तो रेस्ट दे देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से पानी पी ले और थोड़ी सी फूल जाए। तो अराउंड 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऐसा बैटर होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो कभी कभी बैटर एकदम गाढ़ा हो जाता है बिकॉज सूजी सारा पानी सोख लेती है, इसलिए। तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिए या थोड़ा सा अलग से दही फेंट कर इसमें डाल दीजिए, वो भी चलेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा अराउंड 1/4 टीस्पून जितना ही, और उसके ऊपर हमने फ्राई करने के लिए पकौड़े गरम ऑयल रखा हुआ है वो डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने थोड़ा सा हाथ पानी वाला कर अब हम इसे पकौड़े बनाएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बैटर लेकर हम इसमें पकौड़े डाल लेंगे। तो हमें ऑयल अच्छा खासा गर्म हो उसमें डालना है, और बाद में एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हो चुके हैं, ये अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन हो वैसे इसे फ्राई करना है। और वैसे भी इसमें शक्कर ज़्यादा है तो थोड़ी सी कैरेमलाइज होकर ये थोड़े से डार्क हो जाएंगे।
तो इसे निकाल लेते हम। तो हमने निकाल लिया है, अब हम दूसरे बना लेंगे। तो इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम हमारे सारे पकौड़े बना लेंगे। तो हमने सारे पकौड़े तल कर तैयार कर लिए हैं। तो तैयार है हमारी फूलबड़ी पकौड़ा। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माई लाइफ इज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।